उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के फतेहगंज पश्चिमी में कपड़ा व्यापारी गिरीश गुप्ता के घर नकदी सहित 10 लाख का डकवा डाका। पदमा के हौसले बुलंद नेशनल हाईवे पर 4 दिन में दूसरी घटना को दिया अंजाम। कवाड़ी व्यापारी गिरीश गुप्ता के घर डाका नवाब उस बदमाशों ने घर में घुसकर 5 लाख नकद सहित लाखों के जेवरात पर हट किया। साफ व्यापारी की जमकर की पिटाई, पुलिस से रिपोर्ट दर्ज कराने की दी जान से मारने की धमकी। थाना क्षेत्र के दनीता फाटा की घटना पीड़ित गिरीश गुप्ता ने बताया कि पत्नी बच्चों सहित रिश्तेदारी में गई हुई थी। रविवार को शाम 8:30 बजे होटल से खाना खाकर घर पहुंचे तो बारिश से भीग गए। कपड़े निकालकर मोबाइल अपनी कुर्सी पर रखकर बाहर बने बाथरूम में पेशाब करने पीछे वाला गेट खोला, तभी घात लाकर बैठने का पोज बदमाशों ने धावा बोल दिया। इसके असर लाकर जमकर पिटाई की और चाबी मांगी और गला दबाकर कमरे से तोड़ फोड़ कर लूटपाट कर ली। इसमें कोई पैसा नहीं था, ये लॉक भी सादा थी, ये खुली थी, लॉक वाली अंदर थी। ये जैसे मेरे बच्चे सारे वो सिस्टम अंदर गए थे तो ये हमसे वो बोले कि खाना खा के बना के तब जाएंगे। अब मुझे एक तरह कढ़ाई में खाना बनाया क्या क्या होता है वो अंदर उन्होंने डाल दिया वहाँ एक दिन मेरे पास खड़ा मोबाइल पुलिस नहीं आई है, खुद रहे थे क्या नाम है आपका? गिरीश गुप्ता। कहाँ रहते हो, यहाँ पे कौन सी जगह है? लेंडा फाड़ा। क्या घटना घटी थी? मेरे साथ, मैं वहाँ से खाना खा के आया, मैंने गेट खोला अपना। कहाँ से? होटल से। कौन से होटल? ठिरिया। ठिरिया होटल से खाना खा के आए? फिर मैंने यहाँ एक्टिवा अपनी खड़ी करके मैंने कपड़े सारे उतार के भीगे थे, मैंने कुर्सी पर डाल दी, मोबाइल वहीं रख दिया। मैंने कहा लाऊं बाथरूम कर लूँ, फिर बाद में उठना पड़ेगा मुझे। मैंने बाथरूम, मैंने गेट खोला अपना, खोल के उन्होंने मुझे तुरंत ग्रास लिया, उन्होंने मेरे कान पर वो लगा दिया उसका टुकड़ा। किसने? उन्हें चोरों ने धकिया के। क्या लोग थे? 8 लोग। मैंने उसका टुकड़ा छीन लिया, फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा, वो घोड़ा खींच के दाना डाल दिया उसे, बोले अब तुझे मार देंगे हम। फिर उन्होंने मेरी पिटाई भी लगाई बहुत। उसके बाद पिटाई लगाई, फिर उसके बाद उन्होंने हाथ पैर बांध के फिर मुझे डाल दिया, फिर रस्सी से उन्होंने अंगोछा अपने निकाला और दो ने मेरा ढेटुआ खींचा, फिर मैं एकदम फड़फड़ा के गिर पड़ा। फिर उन्होंने मेरे हाथ पैर भी दबाए बाद में, फिर सीना भी उन्होंने ठोका, बोले पता नहीं क्या हो गया, मर गया क्या ये। फिर सामान उसके बाद में पड़ा रहा। फिर सामान क्या क्या ले गए चुरा के? सामान वो उन्होंने कैश निकाला फिर मेरा। किस में से? अलमारी में, सेफ में से। तुम्हारा ताला लगा हुआ था गेट का? ताला, उन्होंने मुझसे चाबी मांगी, मैंने कहा मुझे चाबी नहीं चाहिए मेरे बच्चों पे, तो उन्होंने ये गेट तोड़ दिया। सेफ की अलमारी वहीं रखी हुई थी दोनों मेरी, उन्होंने खोली और सब सामान निकाल लिया। जेवर मेरे बेड में था, कैश मेरे गोदरेज में था।
अच्छा, तो जेवर कितना चला गया? जेवर लोगों 5-7 तोले चला गया। कैश कितना चला गया? 5 लाख। पुलिस को सूचना दी या नहीं? उसको रात में सूचना दी। हमारे जब पैर अंदर बड़े, मैंने पैर एक इशारे में खोल के, हाथ में बाथरूम आ रही थी बहुत, मैंने बाथरूम खड़े खड़े ही कर लिया। हम सपनों को साकार करते हैं, देते हैं पंख आपके हौसलों को, दिखाते हैं राह उज्जवल भविष्य की, हम रखते हैं अरमानों की नींव, नींव शिक्षा की, ख्वाबों को हकीकत बनाने की, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की एकमात्र राह स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, जहां शिक्षा एक जुनून है, एजुकेशन इज अ पैशन।